मैं आपको पहले बात बता दूं कि ये जो आइडिया है मुझे कहाँ से आया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी देश में स्कूलिंग पास करने के लिए हो या ग्रेजुएशन करने के लिए आपको कम से कम 10 पेड़ लगाना कंपलसरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे स्कूल के बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ कंपलसरी करें। तो मैंने सोचा कि मेरा हमारा जो स्कूल है प्रोग्रेसिव अकेडमी, तो यहाँ के सारे बच्चे के लिए मैंने कंपलसन किया है कि आपको एक पौधा जरूर लगाना है, 10 नहीं लगाना, एक ही लगाना है, लेकिन उसकी आपको देख रेख करना है। अभी इसके लिए हम जो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे। इसके अलावा जो क्लास 1 to 8 के बच्चे हैं उनको हम स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत हाई मार्क्स देंगे। सेव इन्वायरमेंट को लेकर के पिछले साल भी मैंने एक जो है एक स्पेशल प्रोजेक्ट दिया था बच्चों को इको ब्रिक का, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप इको ब्रिक सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इको ब्रिक भी सेव इन्वायरमेंट को लेकर के ही प्रोजेक्ट है। तो इसी टाइप से मैंने सोचा इस साल में कुछ इन्वायरमेंट को लेकर के क्या कर सकते हैं। तो मैंने कंपल्सन किया है कि ये लॉन्ग टर्म हम एक स्कीम चलाएं कि यदि आपको स्कूलिंग कंप्लीट करना है तो आपको कम से कम एक पौधा लगाना होगा। अच्छा काम के लिए कानून की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अच्छा काम हम कर सकते हैं। तो मुझे ये आइडिया मिला और मैंने सोचा कि हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर कितने बच्चे स्कूल में यहाँ पर मौजूद है जो लगाएंगे इन पौधों को, क्या लक्ष्य रखा गया है? देखिए इसमें पौधे सभी बच्चों को लगाना है, सभी के लिए कंपलसरी है। 1 to 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनको भी पौधा लगाना है। अब उसमें होता क्या है, देखिए कि जब भी कोई इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है तो उसे फोटो खींच के छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बच्चे ने पौधा लगाया, मान लीजिए क्लास फर्स्ट में पौधा लगाया उसने और उसने फोटो खींच करके बचा दिया, हमने उसको सर्टिफिकेट दे दिया, हमारे पास उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब जब बच्चा यहाँ से मान लीजिए 12th पास करके जब जाएगा तब उसको उसी पौधे की जो है वापस से फ़ोटो भी देना पड़ेगी। तो इट मीन्स ये कि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो पौधा लगाए भी सही और उसकी देखरेख भी करें। तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, A to Z सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। हर क्लास टीचर जो है अपनी क्लास का इंचार्ज रहेगा इसमें, और एक हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंट इंचार्ज भी हमने अलग से नियुक्त करना है, तो वो इसको देखेगा। सर ये तो विद्यार्थियों की बात हो गई, ऐसे में यहाँ के जो स्टाफ है टीचर से क्या सभी लोग वह भी पौधा लगाएंगे? जी बिल्कुल जी, देखिए जी यदि हम बच्चों को बोल रहे हैं तो सबसे पहले ही तो मैं शुरुआत करूँगा। अभी आप ये जो इको ब्रिक देख रहे हैं इसका मैंने गमला बनवाया है और इस गमले में जो है हम पहले पौधा लगाएंगे, है ना। मैं है स्कूल चेयरमैन सर जो है वो पौधा लगाएंगे, इसके अलावा स्टाफ को भी लगाना ही है, वो सब हम स्कूल ग्राउंड में ही लगाएंगे। हाँ मैं एक और बात बता दूँ कि बच्चों के लिए कोई कंपलसन नहीं है कि वो स्कूल में ही पौधा लगाए, स्कूल ग्राउंड है हमारे पास, यहाँ पर पौधा लगा सकते हैं। स्कूल ग्राउंड के अलावा यदि वो कहीं और अपने घर पर लगाना चाहे तो घर पर लगाएं, या फिर कोई वो अब कोई भी अवेलेबल स्पेस है उनके पास तो वहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग। और वैसे भी देखिए ये टाइम में आप लोग जानते हैं कि बच्चे बड़ा स्ट्रेस है, और स्ट्रेस को भगाने का एक ही तरीका है कि कीप आर सेल्फ बिजी। हम यदि अपने आप को किसी क्रिएटिव चीज़ों में बिजी रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस दूर जाएगा। तो बच्चे स्ट्रेस से दूर जाएं, बच्चे अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकें, बेहतर चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकें, यही इसका मेरा मोटिव है। जी मेरा नाम सुनील कुमावत है और मैं वैसे उज्जैन का रहने वाला हूँ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर भी अब पढ़ाता हूँ। मेरे 2 चैनल है, विद्या फर्स्ट और दूसरा चैनल है बींग ट्यूटर। तो काफ़ी बच्चे शायद मुझसे लाभान्वित होते होंगे और भी आपके माध्यम से बाकी बच्चे भी मुझसे जुड़ें। आई होप के मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ एजुकेशन के सेक्टर में, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी मतलब कहें कि संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे और मैं पहुँचूँ, बाकी बच्चों को भी साथ में पहुँचाऊँ, ये मेरी कुछ इच्छा है। मेरा नाम नव्या सिसोदिया है, मैं प्रोग्रेसिव स्कूल के 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें एक एक अपने अपने घर पर एक एक पौधा रोपण कर उसकी देखभाल करने का कार्य दिया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक आम का पेड़ बोया है जो बहुत ही जल्दी एक पौधे से पेड़ में परिवर्तित होगा और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही